सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शिबनोबी चार्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो शिबनोबी जो है 25% अप गया, और यहाँ पे देखो एक घंटे का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा, देखो कितनी बड़ी सारी कैंडल बनी। अगर मैं 30 मिनट का चार्ट लगाऊं तो यहाँ 50 मिनट का चार्ट लगा दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 2 कैंडल्स बनी है, ग्रीन कैंडल्स बनी है, और इतनी लंबी सारी कैंडल बनी है। और यहाँ पे देखो प्राइस जो है 2448 दिखा रहा है, मतलब काफी अच्छा अप गया। और यहाँ पे भी देखो शेंजा जो है ट्रेंड चल रहा है, ये मैंने 4 आवर्स का चार्ट खोल रखा है। यहाँ पे देखो शेंजा जो ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे 32% ही अप गया है 1 वीक के अंदर। तो यहाँ पे जो मार्केट, वैसे तो हालांकि मार्केट बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, बट शेंजा भी धीरे धीरे अब रिकवर करने की कोशिश करने लगा है। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टोकर ने लोगों को क्या कहते हैं, क्या $100 के कहीं $10 बना दिए। कोई मुझे बोला $200 के साथ $20 रह गए, मतलब काफी लोग मुझे बोल रहे थे यार। सो गाइज, अब यहाँ पे देखो अब धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट इसने कर दिया है। तो एक बार 1 आवर का चार्ट भी लगा के देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से अब गया, फिर नीचे गया, फिर गया, तो अब यहाँ पे आप ही जा रहा है, मतलब ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा यहाँ पे, और आप ही जा रहा है। और 24 आवर्स में 4.92% अप गया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप 1571%, यहाँ पे 7 डेज का लगाऊ तो देखो 32% अप गया है। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 13.33 मिलियन, 10 मिलियन से ऊपर का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करके दिखा रहा है ये, जो कि अच्छी चीज है। इसलिए मुझे लग रहा था यहाँ पे का प्राइस जरूर पंप होगा, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो गाइस शिबनोबी को लेकर ये सारी अपडेट थी। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी खासी कैंडल बन के आई है। अगर मैं 2 आवर्स की भी लगाऊंगा, ये देखो 1 आवर का लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो 1 आवर के अंदर इतनी बड़ी सारी कैंडल बनी, एकदम से बन के आई है। तो यहाँ पे है ना, तो आप है ना प्रॉफिट अपना जरूर बुक कर लेना। अगर आपने बिटमार्ट पे होल्ड कर रखे हैं तो अपना प्रॉफिट को जरूर बुक करें। ठीक है, एक बार अपन एमएससीडी इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे एमएससीडी यूज करते हैं अपन। तो ये देखो एक बार बड़ा कर देता हूँ मैं चार्ट को, है ना। सो यहाँ पे देखो ये एमएससीडी है, और ये जो क्रॉसओवर है ना, बुलिश क्रॉसओवर ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्रॉसओवर जो है बुलिश जोन में बना है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, बट अगर आपको लगे कि यहाँ पे दूसरी कैंडल, अगर डाउन ट्रेंड की कैंडल बनना स्टार्ट होती है ना, तो फिर आप है ना थोड़ी देर वॉच कर लेना उसको, तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक करना आप यार, क्योंकि यार कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे पंप एंड डंप का चक्कर चलता रहता है। तो गाइस यहाँ पे बस ये अपडेट मैं आपको देना चाहता था। तो कीप सेफ ट्रेडिंग, सेफ थिंग्स। ये देखो यहाँ पे वापस नीचे जाने लगा है, कुछ कह नहीं सकते गाइस, एक बार पंप दिखाता है हाई तो नीचे भी आ सकता है, तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना आप। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी आज इस टोकन को लेके, शिबनोबी को लेके। और एक बार होल्डर्स भी चेक कर लेते हैं, इनके होल्डर्स कितने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लगाते हैं, ये तो मेरा शिबनोबी है, सॉरी इसको अपन कहाँ पे देखेंगे, कॉइन मार्केट कैपिटल खोलते हैं, और यहाँ पे डालते हैं अपन शिबनोबी। शिबनोबी ये मैंने डाला, आ गया, आ जा, ये आ गया। तो 4% की वृद्धि दिखाई गई है कॉइन मार्केट कैपिटल पे, 95,000 लोगों ने वॉचलिस्ट में डाला है। और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इनके टोकन्स होल्डर्स कितने हो चुके हैं, वो भी अब देख लेते हैं। यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है सब सेल्फ रेगुलेटेड है, ये वेरीफाई नहीं हुई, ये भी बहुत जल्दी वेरीफाई होने वाली है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, 67,553 होल्डर्स अभी करंटली है इनके। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी इस टोकन को लेकर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास।